नमस्कार, मैं रीना शर्मा, स्वागत है आपका। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग जो तैयार किया है उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए हम पेड़ा बनाएंगे, और मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच देसी घी का डाल दिया है, और साथ ही ये होममेड मावा है, 150 ग्राम मावा है। इसको हम बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। बस जब तक इसका अच्छे से कलर ना चेंज हो जाए तब तक हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। इस खोए को भूनने में मुझे 10 मिनट लगे हैं पूरे, और अब ये बहुत अच्छी सी तली छोड़ दी है इसने, तो इसका मतलब है ये खोआ बिल्कुल तैयार है भुनकर। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको ठंडा करेंगे, कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में, उसके बाद ही इसमें हम मीठा डालेंगे। अगर हम गरम गरम में डालेंगे तो ये पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब ये आधे घंटे के लिए मैंने रखा था, अब ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो चुका है, और ये मैंने देसी खांड का प्रयोग किया है इसमें। आप चाहें बूरा ले सकते हैं। ये मावा हमारा 150 ग्राम था, तो 150 ग्राम में मैंने देसी खांड भी 150 ग्राम ही ली है। मीठा आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, देसी खांड की जगह आप बूरा या चीनी को पीसकर इसमें डाल सकते हैं। बस इसको अब हम पेड़े वाली शेप देंगे और ये हमारे पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये भोग तैयार होगा। और अब हम बनाएंगे मेवे से थोड़ा सा प्रसाद। मैंने मखाना, खरबूजे के बीज और धनिया और काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं। धनिया लड्डू गोपाल जी कृष्ण जी को बहुत पसंद है, तो धनिया इसमें हम ज़रूर डालेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, एक बड़ा चम्मच, और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट लिए हैं हमने, थोड़ा थोड़ा सा करके हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इनका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। और सिम फ्लेम पे ही इसको हमने फ्राई करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। बस आधे मिनट के लिए ही हमें इसको फ्राई करेंगे, आधे से भी कम मिनट के लिए। बस मखानों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मखानों में 1 मिनट लगेगा, और बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो बहुत जल्दी इसमें फ्राई हो जाएंगे। आप मनपसंद अपने जो भी ड्राई फ्रूट है वो सब डाल सकते हैं इसमें। और ये धनिया था जो मैंने, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा, इसको भी हम सेक लेंगे। अब हम इन ड्राई फ्रूट को सबको ठंडा करेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। और ये है मिश्री। मिश्री का भोग बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी को। मिश्री डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और हमारा ये पंजीरी वाला भोग बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर व्रत के आलू भी मैंने तैयार कर लिए हैं, व्रत वाले आलू, और साथ ही मैंने साबूदाने की खिचड़ी भी बनाई है। तो बस अब हम लगाते हैं लड्डू गोपाल जी की ये थाली। जितना भी सामान बनाया था मैंने सभी इस थाली में सजा दिया है तुलसी जी डालकर। और तुलसी दल हमेशा डालें, जब भी हम प्रसाद लगाएं, श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल बहुत पसंद है। और बस ये थाली बिल्कुल तैयार है हमारे श्री कृष्ण जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आशा करती हूँ आपको ये थाली बहुत पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।